WPL की समाप्ति के बाद IPL 2023 का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में रश्मिका मंधाना और तमन्ना भाटिया ने दमदार परफॉर्म कर समा बांध दिया। इनके अलावा अरिजीत सिंह ने भी अपने गानों से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। इसके बाद सभी टीमों के कप्तान एक जगह खड़ा होकर कप के साथ फोटो खिंचवाए। इसके बाद शुरू हुआ IPL के 16वें संस्करण का पहला मुकाबला, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के मध्य खेला गया। यह मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी CSK को पहला झटका जल्द लग गया। मोहम्मद शमी ने कॉनवे को बोल्ड आउट कर दिया। कॉनवे सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। CSK के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन एक छोर पर ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ डटे रहे। वो धोते रहे गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को। टाइटंस को ऋतुराज का तोड़ नहीं मिल रहा था। ऋतुराज ने देखते ही देखते सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। CSK प्रशंसक उनके शॉट्स को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर में ऋतुराज कैच आउट हो गए और उन्हें लौटना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में 92 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 9 हवाई फायर किए। आखिर में धोनी आकर टीम का स्कोर 178 पर पहुंचा दिए। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 14 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे जायंट्स को भी पहला झटका जल्द लग गया, लेकिन ओपनर शुभमन गिल ने सिर्फ 36 गेंदों में 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल टीम को मजबूती प्रदान कर दी। फिर आखिरी दो ओवर में राहुल तेवतिया और राशिद खान ने छक्के चौके जड़ स्कोर को लक्ष्य के पार पहुंचा दिया और टीम को पहली जीत दिला दी। जीत के बाद तेवतिया धोनी से मिलकर काफ़ी खुश हो गए।